देखिए हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का एडवोकेट। ये देखिए फाइनली ग्राउंड के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला रवाना हो चुका है। ये देखिए आप सब लोगों के आशीर्वाद से मंडला का सम्मान किया और मुझे अपने मंत्रिमंडल में भी आपने शामिल किया। राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की जय। केवल अकबर बड़ा महान बता देते हैं अकबर को, लेकिन एक बार नहीं तीन तीन बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो महारानी दुर्गावती ने किया है। ये यहाँ का खून है, यहाँ की बेटी है। एक एक्सीलेंस कॉलेज, बहन जी आपके मुंह में घुसक कर जो आप मांगो सब दे देंगे। एक एक्सीलेंस कॉलेज की मांग अभी अभी है श्रीमती संपतिया जी ने की है, मैं वो भी देने की घोषणा करता हूँ आपके कॉलेज प्रदेश के लिए, हमारे अपने मंडला जिले के लिए। प्रदेश भर में 55 जिले में हर जगह एक एक एक्सीलेंस कॉलेज दे रहे हैं। जब सब दूर दे रहे तो मंडला में क्यों नहीं देंगे? मंडला में सबसे पहले देंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वो आपके यहाँ चालू हो जाए, कोशिश करेंगे अगले सत्र में चालू हो जाए। सो हेलो दोस्तों, मैं रोहित सोनानी और एक नई ब्लॉग पे आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि साथियों आज हम जा रहे हैं कॉलेज और कॉलेज के ग्राउंड में जो कि हमारे न्यू मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हो रहा है। तो ये देखिए पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं किस प्रकार से जनता जो कि आ रही है और सभी लोग जो कि इस समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, दो सरप्राइज की बात है, हमारे जो कि माननीय न्यू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी आ रहे हैं। और पहला ये कि हमारे कॉलेज में जो कि हमारी रानी दुर्गावती की मूर्ति का अनावरण है और उसके साथ साथ प्रथम बार जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। तो ये कि सब लोग जो कि उनके स्वागत में जोरों तोरों से सभी लोग लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारी व्यवस्थाएँ हैं। और चलिए हम इस ब्लॉगिंग के माध्यम से हम आपको दिखाएँगे किस प्रकार से जो कि जनता स्वागत कर रही है हमारे नए मुख्यमंत्री का। तो चलिए साथियों ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये देखिए इतना रस है और यहाँ पर जो कि पुलिस प्रशासन और भी जितने भी हैं, और सामने देख रहे हैं आप दोस्तों किस प्रकार से जो कि जनता हमारे नए मुख्यमंत्री को देखने के लिए और भी उनके जो कि नए नए योजनाओं को, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का एडवोकेट, और यहाँ पर जो कि इंतज़ार कर रहे हैं सभी जितने भी हैं हमारे कॉलेज के सर लोग और भी स्टूडेंट लोग। और आज जो कि हमारे वीरांगना रानी दुर्गावती मूर्ति का अनावरण है। मुख्यमंत्री को कृपा कर, हर कोई आते है, हर कोई देश फल का बहुत ही खतरनाक तरीके से जो कि डॉक्टर मोहन यादव और हमारे नए मुख्यमंत्री जी का जो कि स्वागत हो रहा है। चलिए ब्लॉग पर बने रहना, हम बहुत ही शानदार तरीके से कर। और बहुत ही खतरनाक तरीके से स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। जन भागीदारी समिति के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत गीत के माध्यम से भी, और दोस्तों आप देख रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का बहुत ही भव्य रूप से जो कि स्वागत हो रहा है। हमारी युवतियों ने, महाविद्यालय की युवतियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री जी स्थापित है, उसका निर्माण माननीय देव सिंह जी सयाम पूर्व विधायक विधानसभा क्षेत्र मंडला के द्वारा विधायक निधि से 3.5 लाख रुपए की राशि से कराया गया। चाहेंगे हमारे छात्र इकाई को जिनका आज सपना माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से आज साकार हो सका है, और महेश्वरी नगरी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
फाइनली ग्राउंड के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला रवाना हो चुका है। ये देखिए बहुत ही शानदार। और इतनी सारी फोर्स और इतनी व्यवस्था, बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं रखी गई हैं। और दोस्तों यहाँ से जो कि एंट्रेंस है और ये चेकिंग बूथ है, ये देखिए, और पुलिस प्रशासन लोग भी तत्पर हैं। और ये देखिए चेकिंग बूथ महाराज को मिल, हमें कई बार गुजरात की तरफ ले जाता है, कई बार क्या, अक्सर गुजरात की परंपरा का तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये ज्योति प्रज्वलित कर हमारे अतिथि इस समय इस पूरे कार्यक्रम की एक और गरिमा मई उस परंपरा को पूरा कर रहे हैं। हमारे बीच में सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, संपत्तिया वीके जी और अन्य सम्मानित अतिथि जिनमें जिला अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन इस रेशम से बने साफे से किया जा रहा है, एवं माननीय श्रीमती संपैया वीके जी, मंत्री पीएचई मध्य प्रदेश शासन। यह है गौड़ी पेंटिंग गाइड जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, भेंटकर श्यारी साफा एवं वीरा माला भेंटकर अपना स्नेह माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा रहे हैं। जोरदार तालियां बजती रहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मान में मित्रों। और इसके उपरांत लाडली बहने अब माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान के लिए आ रही हैं। हमारी लाडली बहन जिसमें इस पेंटिंग को आप जरूर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का मां नर्मदा के प्रति जो समर्पण है और मातृत्व भाव से जो मां नर्मदा की अर्चना पूजा और श्री महाकाल के वो लाडली बहने और तमाम हमारे युवा जो यहाँ उपस्थित है, आइए जोरदार तालियों के साथ करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मां नर्मदा के इस तट पर हम अभिनंदन स्वागत करें और मंडला वासियों का जो उनके प्रति मन में स्नेह है उस स्नेह को प्रकट कर रही है महिला मोर्चा की हमारी तमाम बहनें जिनसे आज मिलने, तमाम लाडली बहनों से मिलने माननीय मुख्यमंत्री जी आज मंडला के इस पावन धरा पर हमारे बीच उपस्थित है। प्रमाणित हो जाए जोरदार तालियां बजाकर। और 129 करोड़ बहनों की खाते में एक ही बटन से सीधे पूरे मध्य प्रदेश की बहनों के खाते में पैसे का शुभारंभ यहाँ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और विकास पुरुष ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मंच में आज बहुत लंबी मांग थी और आज आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि जिस तरीके से ये महाविद्यालय सबसे पुराना महाविद्यालय है जहाँ पे हमारे भाई बहने अध्ययन करते हैं और यहाँ से पढ़कर के राष्ट्र के हित में बहुत से ऐसे हमारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। हम सब लोगों की मंशा थी पर किसी कारणवश वो नहीं हो पा रहा था। जब रानी दुर्गावती की वहाँ मूर्ति स्थापित है तो उनकी भी सोच थी माननीय मुख्यमंत्री जी की कि उनके आदर्शों को हमारे बच्चे उनको ग्रहण करें। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शिक्षा मंत्री थे और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं तो ऐसी स्थिति में रानी ऐसी महारानी दुर्गावती ऐसे महापुरुषों को कोई स्थान नहीं मिलता था भाइयों बहनों। पर मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने इस प्रांगण में आप उपस्थित हुए और 134 करोड़ के भूमि पूजन आज यहाँ पे किए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी मात्र आपके परिषद का मात्र 1.5 महीने हुए उसमें मंडला जिले के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा सौगात दिया और मेरे को नहीं आप सब लोगों के आशीर्वाद से मंडला का सम्मान किया और मुझे अपने मंत्रिमंडल में भी आपने शामिल किया। मैं चाहूंगी आप सब लोग
जोरदार ताली बजा करके माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। भाइयों बहनों, आज जिस तरीके से मल्ला को नम्र आग्रह करूंगा कि वे आज 1,29,00,000 लाडली बहनों को 1,576 करोड़ और 56,61,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 340 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से करें और इसके लिए मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा। इस अवसर पर हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय सिंगल क्लिक के माध्यम से ये राशि अंतरण करने जा रहे हैं। जोरदार तालियां। स्क्रीन पर आपके सामने लाडली बहनों को 10 तारीख का ये प्रतिफल सिंगल क्लिक के माध्यम से। और अब सामाजिक पेंशन के सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 340 करोड़ रुपए का सिंगल क्लिक के माध्यम से ये अंतरण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के करकमलों से। ये हम सभी के लिए गौरव के पल हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति। और अब बिना किसी विलंब हम सुनना चाहेंगे इस प्रदेश के एक ऐसे मुखिया को जिन्होंने बहुत संयम के साथ जहां शिक्षा के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान को प्रदान किया था। उसके तुलना में निश्चित रूप से कम होगा। क्या समय था, क्या दौर था और क्या यहाँ की क्षेत्र की आपकी बेटी ने अपने इस पूरे गोंडवाना क्षेत्र की एक महारानी जिसने मुगलों से लड़ाई लड़कर के हम सबका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। रानी दुर्गावती महारानी के अपने लिए अभिनंदन करें रानी दुर्गावती को। और एक नहीं दो दो बेटियां समादरणीय देवी अवंतीबाई लोधी और रानी दुर्गावती ऐसी अपने यहाँ की बहनों के माध्यम से यहाँ का तो क्षेत्र ऐसा लगता है कि किनका नाम लो और किनका छोड़ो। मुगलों की ऐसी सत्ता को शंकर सा, रघुनाथ सा, क्या बड़े बड़े नाम है हमारे बीच में। आप सबको प्रणाम करता हूं इनके माध्यम से और इस धरती के माध्यम से सिर झुका करके प्रणाम करने की इच्छा होती है। मैं आप अंदाज लगाइए कैबिनेट की पहली मीटिंग अगर हमने मध्यप्रदेश में शपथ लेने के बाद कहीं की थी तो वो रानी दुर्गावती को स्मरण करते हुए रानी अवंतीबाई और दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में हमने पहली कैबिनेट करी थी। क्योंकि ये क्षेत्र का बलिदान ही ऐसा पूरा देश इसको नमन करता, पूरा देश विशेष आदर से देखता। ऐसी रानी दुर्गावती हमारे यहां तो वैसे बहन बेटियों का सम्मान कैसे है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। हमारे यहाँ माता बहनों का देवी स्वरूप दुर्गा का जो मान होता, सम्मान होता, इसलिए हमारे यहाँ नाम भी रखा जाता है, लिया जाता है भगवान का नाम भी। तो लक्ष्मी नारायण, सीताराम, पहले हमारी माता बहनों का नाम लिया जाता है, बाद में भगवान का नाम आता है। और ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि तमाम कष्टों के बाद हमको जन्म देने वाली माता हमको अपने जीवन में वो लालन पालन करके इस संसार रूपी नए सागर में जाने के लिए न केवल वो तैयार करती है बल्कि अपने आंचल की छाया में इतने आशीर्वाद देती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी संघर्ष की कठिनाइयों पे भी हम सहायता से पार कर सके। जीवन भर माताओं का आशीर्वाद हमको मिलता है। ये आशीर्वाद हमारे अपने देश में हमारी संस्कृति में एक विशेष रूप से देखा जाता है। इसलिए हमने हमारे अपने देश को दुनिया के 200 से ज्यादा देश अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कितने प्रकार के देश, लेकिन कोई देश अपने देश को माता रूप में नहीं मानता। एकमात्र देश है भारत जो भारत माता करके अपनी संस्कृति को नमन करता है, ये मात्र संस्था को स्वीकार करता है। माँ के आंचल में जो आनंद मिलता है वो हम अपने पृथ्वी पर भारत भूमि में विश्वास करते हैं। अभी ये हमारी बहन जी ने नारा लगवाया था नर्मदे मैया की। आप तो उस बहुत सौभाग्यशाली लोग
जिनको अपने माता का नर्मदा मैया का आशीर्वाद मिलता है। और ऐसा कहते हैं कि भारत में कई नदियां होगी लेकिन कई नदियों में नर्मदा जी की गिनती नहीं हो सकती। नर्मदा जी तो एक ही है, एक ही जो न केवल पूरे प्रदेश को बल्कि गुजरात को भी अपने आंचल से सराबोर करते हुए वर्तमान में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था बनाने में सब प्रकार के आशीर्वाद जुटा करके हम सबका जीवन बदलने का काम कर रहे हैं। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को स्मरण करते हुए। मोदी जी के माध्यम से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माध्यम से पूरा क्षेत्र, क्या गुजरात के जंगल से जंगल वाले क्षेत्र भी हरे भरे चमन हुए। ये हमारे प्रदेश में भी हो जाते 40 साल पहले, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, प्रदेश का भला नहीं किया, सरकारें बनाई उनने, लेकिन नर्मदा के ऊपर जो हमारे पानी का सदुपयोग करने के लिए पीने का पानी या सिंचाई की व्यवस्था वो सब कर सकते हैं, लेकिन न करते हुए उनने केवल अपनी कुर्सी बचाने का काम किया। मुझे खुशी है नरेंद्र मोदी जी और हमारे पुराने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी आप अभिनंदन करें, इनके माध्यम से हमने पूरा प्रदेश एक नए दौर में पहुंचाने का प्रयास किया। जानते वर्तमान के दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, अब हम अपने आप सबको जोहार किया, राम राम किया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है क्या भगवान राम को भी अयोध्या में, ये हमारे अयोध्या का राम राज्य जो स्थापित हुआ था, ये हमारे वनवासी आदिवासी भाइयों बहनों के माध्यम से भगवान राम ने भी 17 लाख साल पहले रावण जैसे महाशक्तिशाली को उसके घर में हरा करके अपने धर्म की जय जयकार की थी और अपने बंधु भाइयों बहनों के साथ उस आनंद में वो सहभागी हुए। हम सब जानते भगवान राम का अयोध्या से संबंध, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है पहले अंग्रेज उसके पहले मुगल जिनके हमने प्रतिमा का अनावरण किया, वो हमारी गोंडवाना की महारानी जिनने कहा कि भले ही प्राण चले जाए लेकिन आजादी नहीं दूंगी अपने शरीर का एक एक फूट, उनने लगातार लड़ते हुए अपना बलिदान करा दिया। लेकिन झांसी की रानी के पहले रानी दुर्गावती ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ऐसी रानी दुर्गावती को नमन करते हुए मुझे आनंद आ रहा है। उनके जीवन के ये कुर्बानी के क्षण को नई शिक्षा नीति के माध्यम से आने वाले समय में स्कूल में, कॉलेज में सभी लोगों के जीवन के ये पाठ को पढ़ाना पड़ेगा। केवल अकबर बड़ा महान बता देते हैं अकबर को, लेकिन एक बार नहीं तीन तीन बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो महारानी दुर्गावती ने किया है। ये यहाँ का खून है, यहाँ की बेटी है, उसका पुरुषार्थ है, पराक्रम है। हम मैं इस बात को भी जानता हूँ, एक और राजा था शेरशाह सूरी, उस शेरशाह सूरी को भी अगर धूल चटाने का काम किसी ने किया तो रानी दुर्गावती ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है 1857 में भी और बाद के काल में भी हमारी रानी अवंतीबाई जिनका डिंडोरी में स्मारक है, हम सब जानते हैं रानी अवंतीबाई हो, रानी दुर्गावती हो, आजाद भारत के लिए ये तमाम क्रांतिकारियों ने हमारे सामने एक बड़ी मिसाल पैदा की, बड़ी मिसाल सामने रखी, जिसके कारण से एक एक्सीलेंस कॉलेज बहन जी आपके मुंह में घुसक कर जो आप मांगो सब दे देंगे। एक एक्सीलेंस कॉलेज की मांग अभी अभी है श्रीमती संपतिया जी ने की है, मैं वो भी देने की घोषणा करता हूं आपके कॉलेज प्रदेश के लिए, हमारे अपने मंडला जिले के लिए, प्रदेश भर में 55 जिले में हर जगह एक एक एक्सीलेंस कॉलेज दे रहे हैं। जब सब दूर दे रहे तो मंडला में क्यों नहीं देंगे? मंडला में सबसे पहले देंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वो आपके यहाँ चालू हो जाए, कोशिश करेंगे अगले सत्र में चालू हो जाए। एक करोड़ 29 लाख से अधिक बहनों के खाते में 1,576 करोड़ की राशि उनके खाते में डाल रहे हैं। आज फिर लाडली बहनों के पास खाते में पैसा आएगा, ये पैसा आपके उस परिवार के लिए,
बाल बच्चों के लिए, सबकी बेहतरी के लिए, सबके जीवन में आनंद लेने के लिए, लेकिन लगता है कि आनंद नहीं आया। जरा जोरदार बताओ तो सही कि पैसा आए तो बहने कितना खुशी मनाती है। अरे भाई आप भी बजा सकते हो, कोई बात नहीं, बहन के पास आया तो आपके पास भी आएगा, आपके भी घर में आनंद आएगा। तो क्या भाई क्या बहन, सबके खाते में पैसा आता और लक्ष्मी खुद चल के आती है, आपको आशीर्वाद देती है। और बहन बेटी के हाथ में पैसा आए तो पुरुष के हाथ में आए तो रुपये का बारिया ना रह जाता, 25 पैसे उसके उधर पर चले जाते। लेकिन बहन के हाथ में आया हुआ एक रुपया ये 1.25 रुपये में चलता है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। बहन उसके बारे में जो पैसे का सदुपयोग करती है वो कोई दुनिया की मिसाल नहीं है ऐसी, जहाँ हमारे यहाँ की माताएं बहनें अपने परिवार को चलाने में इतना ध्यान रखती है। जोरदार अभिनंदन करे 1,15,76 करोड़ के लिए। और इसी अवसर पर सिंगल क्लिक के माध्यम से 12 पेंशन योजना के माध्यम से अलग अलग प्रकार के 56,61,000 पेंशन हितग्राहियों को लगभग 339 करोड़ से ज्यादा की राशि भी उनके खाते में डाल दी गई है। सारे के सारे क्या भाई क्या बहन 60 साल से ज्यादा उम्र के अलग अलग पेंशन के पात्र, क्या दिव्यांग, सभी को ये 12 प्रकार के अलग अलग पेंशन जो दे रहे हैं उसके लगभग 339 करोड़ की राशि भी आपके। और हमने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का वादा भी निभाया है, आप सब भी याद रखना, भूलना मत, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। और भगवान राम ने आदिवासियों के साथ वनवासियों के साथ जो समय गुजारा है, हमको मालूम है ये कष्ट किसने दिया था, ये मंदिर 47 में बन जाता, लेकिन आजादी के बाद पहली बार बनकर के भगवान अपने गर्भगृह में गए हैं। तो यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ पूरे लोकतंत्र के लिए एक बार मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, 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 भारत माता की जय। सो गाइस, हमारे छोटे मामा और हमारे माननीय जो कि न्यू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो कि यहां से रवाना, अपने घर वापसी हो चुकी है। और साथियों चलिए ब्लॉग के एंडिंग में हम आपको बहुत ही शानदार चीज़ दिखाते हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं हमारा कॉलेज, और उसी के जस्ट सामने जो कि हमारी वीरांगना देवी रानी दुर्गावती का जो कि मूर्ति अनावरण हुआ है आज ही के दिन, और डॉक्टर मोहन यादव हमारे न्यू मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया गया है। तो साथियों चलिए इस ब्लॉग को यहाँ से एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, जब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ब्लॉग आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर भर भर के कमेंट कीजिए। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, वीरांगना देवी रानी दुर्गावती की जय। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.